आप सबका स्वागत है वेदास इंस्टीट्यूट में और आज का टॉपिक है भारत की आबादी। तो भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश, चीन को पीछे करके भारत बन गया है दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश, जिसकी जनसंख्या अब हो चुकी है 1,428.6 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इस संदर्भ में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। भारत और चीन के आबादी में अब 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 लोगों की कमी आई। यह 1961 के बाद पहली बार इस तरह की गिरावट देखने को मिली थी। रिपोर्ट में नवीनतम आंकड़े जनसंख्याकीय संकेतक की श्रेणी में दिए गए हैं। इसके अनुसार भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में है, 10 से 19 में 18%, 10 से 24 में 26%, 15 से 64 में 68% और 7% आबादी 65 एज ग्रुप से ऊपर की है। यदि मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका संक्षिप्त नाम UNFPA है और इसका औपचारिक नाम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और इसी प्रकार की और डिटेल्स के लिए, न्यूज़ के लिए बने रहिए विद वेदास इंस्टीट्यूट। थैंक यू।